इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे निल आईटीआर 1 को अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आप इसको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी फाइल करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो निल आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि यहाँ पर अप टू 3 लाख तक की आपकी इनकम है तो किसी भी तरीके का टैक्स आपके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है वो इस तरीके का है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% है, फिर 6 से 9, 9 से 12 इस तरीके से 15 लाख तक आपका स्लैब चलता है। वहीं अगर आपकी इनकम 7 लाख तक भी है वहाँ पर भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में जो भी आपकी इनकम होती है दोस्तों उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है 25,000 का, वो आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। तो 87A की रिबेट मिलने के बाद जो आपका 25,000 रुपीज़ का टैक्स है वो जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप 7 लाख तक अपनी निल टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो निल टैक्स की रिटर्न फाइल करने में कोई भी नुकसान नहीं होता है, आपको फ़ायदा ही होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब लोन लेने जाते हैं, कोई किसी भी तरीके का लोन वो हो सकता है, कोई इंश्योरेंस क्लेम आपका आता है, कोई वीज़ा एप्लीकेशन आप देते हैं, कोई अपने बच्चों की फ़ाइल लगाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, या खुद घूमना चाहते हैं विदेश में, तो वहाँ पर आपसे 2-3 साल की आईटीआर डिमांड कर ली जाती है। तो उस टाइम अगर आपके पास आईटीआर नहीं होती है और आप अपने सीए से कॉन्टैक्ट करते हैं तो फिर वहाँ पर कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि आप आईटीआर फाइल कर पाते हैं कुछ लेट फीस और पेनल्टी के साथ, बट कई बार ये भी होता है कि आपकी जो डेट है फाइल करने की आईटीआर को वो निकल चुकी होती है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए आप टाइमली अपनी आईटीआर फाइल करके चलें, अपनी फैमिली की आईटीआर फाइल करके चलें, इसके अंदर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी आईटीआर फाइलिंग की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल के अंदर आ जाना है, गूगल में आने के बाद आपको आईटीआर फाइलिंग टाइप कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आप होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का और रजिस्टर का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा और अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो पहले उसको क्रिएट कर लें। तो जब आप उसको क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर जो है वो फिल कर देना है यूज़र आईडी में, कंटिन्यू कर दीजिए, उसके बाद ये चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आईटीआर फाइल करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको काम करना है ये जो आपको नज़र आ रहा है AIS, जिसको हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से देखिए इंस्ट्रक्शन के साइड में आपको यहाँ पर AIS नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो बाई डिफ़ॉल्ट ही वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आपके ट्रांजेक्शन दिखा देगा। तो TIS का मतलब होता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जहाँ पर समराइज्ड फॉर्म में आपको डेटा दिखाएगा। AIS का मतलब होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जहाँ डिटेल्ड में आपकी सारी ही वो इन्फॉर्मेशन दिखा देगा पूरे साल की। तो अगर मैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको सैलरी नज़र आ जाएगी, डिविडेंड नज़र आ जाएगा, कोई अगर आपने शेयर सेल किए हैं, म्यूचुअल फंड सेल किए हैं वो नज़र आ जाएंगे, कोई परचेज किए हैं वो नज़र आ जाएंगे, इसके अलावा कोई आपका FD का इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट है, तो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। तो हमेशा आईटीआर को फाइल करने से पहले यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद ही आपको आईटीआर को जो है फाइल कीजिए। बट ऐसा भी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होगी आपको 100% करेक्ट मिल सकती है, कई बार उसमें जो है कुछ मिस्टेक भी होती है। तो जो भी आपका आपके पास अपना एक्चुअल डेटा है उसको आप ज़रूर कंसिडर कर लीजिए। तो चलिए अब दोबारा हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर हमें आईटीआर फाइल करनी है। तो या तो आप जो है फाइल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ई फाइल में आ जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड कंटिन्यू, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल रहेगा कंटिन्यू, उसके बाद ITR 1, प्रोसीड विद ITR 1, लेट गेट स्टार्टेड। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है हम न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे, और 3 लाख से ज़्यादा कि यहाँ पर बेसिक एग्जेंशन लिमिट जो होती है वो 3 लाख की होती है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख लीजिए फॉल होते हैं क्या, अगर दोनों में ही फॉल नहीं होते तो आप अदर कर सकते हैं। तो टैक्सेबल इनकम पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है बेसिक एग्जेंशन लिमिट से, कंटिन्यू कर दीजिए, अब ओके कर दीजिए। तो अब देखिए आपको कुछ इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा रिटर्न समरी में। अब एक एक करके आपको सारे ही टैब जो है कंफर्म करते चले जाने हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, किसी भी तरीके की एग्जम्पशन
और जो डिडक्शंस होती हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक, ये बेनिफिट आपको नहीं दिए जाते हैं। तो जब हम न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में उनका बेनिफिट नहीं दिया जाता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे पहले आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये प्रोफाइल आ जाएगा, आपका नाम वगैरह आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, PSU हैं, पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं या अदर हैं। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉई हैं तो अदर चूज़ कर सकते हैं। यदि एम्प्लॉई नहीं है, अपना ही कुछ काम करते हैं या आपकी कोई सैलरी से इनकम नहीं है, तो आप तब भी अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 139(1) डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे, देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डू यू विश टू एक्सरसाइज दी ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। तो क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? तो नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही अपनी ITR फाइल करना चाहता हूँ। तो नो को ऑप्शन पे ही आप जो है क्लिक रहने देंगे। उसका थोड़ा नीचे आएंगे, बैंक डिटेल में आपका जो बैंक है ये वैलिडेट होना चाहिए, उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम पे आएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम में देखिए दोस्तों, यहाँ पर सैलरी की एग्जम्पशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको HRA की एग्जम्पशन नहीं दिखाई देगी, LT की एग्जम्पशन नहीं दिखाई देगी, और बहुत तरीके की आप एग्जम्पशन जो क्लेम करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है, तो बहुत तरीके की एग्जम्पशन आपको मिलती हैं सैलरी एम्प्लॉई को, तो वो सारी एग्जम्पशन देखिए यहाँ से गायब कर दी गई हैं। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कुछ ही एग्जम्पशन मिलती हैं, जैसे आपको ने कोई एक्सपेंडिचर किया है कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पे ऑन टूर और ट्रांसफर, इसी तरीके से कोई अलाउंस आपको मिलता है टू कम्यूट बिटवीन दी प्लेस ऑफ रेजिडेंट एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, तो कुछ ही तरीके के आपको अलाउंस मिलते हैं, मैक्सिमम अलाउंस जो है आपको नहीं दिए जाते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो अब आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको दिखाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इस पे आप एडिट कर दीजिए और यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर अपनी सैलरी फिल कर दीजिए। तो आपकी सैलरी आ गई 5 लाख रुपीज सपोज करें। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डिडक्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी 50,000 की। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी अब आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, पहले नहीं मिलती थी। तो अब आपकी जो इनकम आ गई अंडर द हेड सैलरी वो आ गई 4,50,000, जिसको सेव कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो मैं आपको ITR फाइल करके दिखा रहा हूँ, मैं जो AIS हमने स्टार्टिंग में देखा था वहाँ 9,67,000 की कुछ इनकम दिखा रहा था, उसके हिसाब से दोस्तों मैं ये ITR फाइल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड भी दिखा रहा था, तो उसके हिसाब से तो मुझे ITR1 फाइल ही नहीं करनी है, मेरे ऊपर तो ITR2 एप्लीकेबल हो जाएगी। तो वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, डेमो के लिए ही दिखाया था, तो उसके हिसाब से मैं जो है ये डेटा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बट आप अपना जब ITR फाइल करेंगे तो उस डेटा को जरूर कंसिडर कर लीजिए और उसकी एक बार वैलिडिटी जरूर चेक कर लीजिए कि वो जो डेटा है वहाँ पर करेक्ट है कि नहीं। तो उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नजर आएगा, तो एडिट डिटेल में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप अपना जो लोन आपने लिया है होम लोन, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो आप होम लोन आपने लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो केवल और केवल लेट आउट हाउस के केस में ही डिडक्शन मिलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। तो इसलिए आप लेट आउट ले लीजिए, लेट आउट में अगर आपका कोई रेंट आता है तो वो रेंट आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट 30% की डिडक्शन आपको मिल जाएगी 1,35,000 की। नीचे देखिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, तो आपने होम लोन लिया है उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट गया है तो उसको आप मेंशन कर दीजिए। सपोज 1 लाख रुपीज गया है तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की फाइनल इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 2,15,000। तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कितना मेंशन करना है, आप बैंक में जाएंगे वहाँ से आप होम लोन सर्टिफिकेट ले लीजिए। जब वो लोन सर्टिफिकेट ले लेंगे तो वहाँ पे आपको बाइफरकेशन दिया होगा कि आपका प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है और आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। तो प्रिंसिपल का अमाउंट जो होगा उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 80C का बेनिफिट आपको मिलता नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, मींस आपको रेंटल इनकम आती है, तो उस केस में फिर आप इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल में इंटरेस्ट का अमाउंट मेंशन कर देंगे। इसको सेव कर दीजिए। तो सेव कर देंगे आप, इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी 4,50,000 आ गई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी 2,15,000 आ गई है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। बट इससे पहले देखिए आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है वो आ चुकी है 6,65,000 रुपीज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप ऐड अदर पे क्लिक कर दीजिए तो जो आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपका कोई FD है वो किसी बैंक के अंदर है, पोस्ट ऑफिस के अंदर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो यहाँ दिखा देंगे। कोई इनकम टैक्स रिफंड आपका आया है तो वो भी यहाँ दिखा देंगे। तो इस तरीके से सारे आप इनको एक बार स्टडी कर लीजिए और दिखा दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और FD का इंटरेस्ट है वो दिखा देता हूँ। तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट में मान के चल रहा हूँ कि 2,000 रुपीज़ है, वो दिखा दिया। FD से भी इंटरेस्ट आया है 5,000 का, वो भी दिखा दिया। थोड़ा नीचे आएंगे, कोई आपकी फैमिली पेंशन है, एनी अदर, और डिविडेंड इनकम, कोई डिविडेंड इनकम है तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। इसी तरीके से एनी अदर में
आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर कोई और आपकी इनकम है, साइड इनकम है, तो वो भी दिखा सकते हैं। सपोज आप ट्यूशन वगैरह करते हैं तो वहाँ से कोई आपकी इनकम आती है, सपोज 20,000 की, वहाँ से भी आपको इनकम होगी, तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। और अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपको ये इनकम सोर्स डिटेल पर ले आएगा, जहाँ पर आपकी सैलरी की इनकम है 4,50,000। नीचे आएंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2,15,000 रुपीज़। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपकी देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई है, जिसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ गया आपका 2,000 रुपीज़, आपका FD का इंटरेस्ट आ गया 5,000 और ट्यूशन इनकम आ गई 20,000। इस तरीके से आपकी जो टोटल इनकम आ गई वो आ गई 27,000 रुपीज़। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई तीनों ही हेड मिला के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, 6,90,000 रुपीज़ की। इसी तरीके से अगर कोई आपकी एग्जम्प्टेड इनकम भी है, ये केवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए होती है, तो ऐड अदर पे क्लिक करके वो भी दिखा सकते हैं। अब इसको भी दिखाने का तरीका क्या रहेगा, वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए कंफर्म कर दिया हमने, हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम आई है वो आई है 6,92,000 रुपीज़। उसके बाद हम टोटल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों टोटल डिडक्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको 80C से लेकर 80U तक इतने सारे सेक्शन होते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ खर्चा करते हैं और उसका बेनिफिट ले लेते हैं। जैसे 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप होम लोन प्रिंसिपल कोई पे करते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हैं, LIC का प्रीमियम देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी बेटी के लिए, इसी तरीके से आपकी 5 साल से ज़्यादा की FD है, आप PPF अकाउंट खुलवा लेते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का आपका जो शेयर है वो आ जाता है। तो बट यहाँ न्यू टैक्स रिजीम में हम ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए 80C आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, ना ही 80D दिखाई देगा। तो 80C से लेके 80U तक जितने भी सेक्शन होते हैं आपका बेनिफिट उसको नहीं मिलता, केवल एक ही सेक्शन का बेनिफिट मिलता है, वो है 80CCD सबसेक्शन 2, जहाँ पर आपका एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन करता है NPS के अंदर, तो 80CCD2 के अंदर कवर हो जाता है और उसी का बेनिफिट आपको केवल मिलता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है NPS के अंदर, तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपका एम्प्लॉयर अगर आपको फॉर्म 16 देता है तो अगर उस फॉर्म 16 में वो कंट्रीब्यूशन ऐड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐड नहीं है तो पहले वो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है आपको अपनी सैलरी के अंदर ऐड करना होगा, मीन्स अपनी सैलरी जो है उस अमाउंट से बढ़ानी होगी। सपोज आपका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे साल का वो 40,000 का कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने किया NPS के अंदर, तो वो 40,000 पहले आपको अपनी सैलरी के अंदर ऐड करना होगा और नीचे फिर इस सेक्शन के अंदर जो है उसको लेस करना होगा। अगर वो ऐड है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमें यहाँ कुछ ऐड करना नहीं है, थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सारे ही सेक्शन आपको जो है ब्लर नजर आएंगे, मींस ये बेनिफिट आपको नहीं दिए जाएंगे न्यू टैक्स रेजिम में, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में सबका बेनिफिट आपको दिया जाता है। तो टोटल डिडक्शन आपकी 0 हो गई, कंफर्म कर दीजिए। तो कंफर्म कर दिया तो आपकी डिडक्शन भी कंफर्म हो गई है। अब टैक्स पेड पे आ जाएंगे तो टैक्स पेड पे क्लिक कर दीजिए। टैक्स पेड कुछ नहीं है, कोई भी TDS आपका नहीं कटा है, ना ही कोई आपने एडवांस टैक्स पे किया है। नीचे आ जाएंगे, कंफर्म कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको नीचे नजर आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी इनकम थी 6,92,000 की ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन आपको कोई मिली नहीं, तो टोटल इनकम भी आपकी 6,92,000 की आ गई। और इस 6,92,000 के ऊपर जो टोटल टैक्स बना है आपका दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, वो 24,200 बना है। तो देखिए इस स्लैब के अकॉर्डिंग आप देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब एप्लीकेबल हो गया है, जहां पर 3 लाख तक तो आपको कोई टैक्स लगता नहीं है। वहीं अगर आपकी इनकम देख सकते हैं दोस्तों अप टू 6 लाख तक है, मीन्स अगर आपकी इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में तो 5% लग जाएगा। तो इस तरीके से 15,000 का आपका यहां पर लग गया। उसके बाद 6 लाख से लेकर 9 लाख तक आपका 10% लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं 6 लाख तक का यहां पे ऑलरेडी 15,000 लग चुका था, तो हमारी जो इनकम है वो है 6,92,000। तो 92,000 के ऊपर आपका 10% लग जाएगा, तो 9,200 ये हो जाएगा। तो 15,000 आपका यहां लग गया, 9,200 आपका यहां लग गया। तो इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स लग गया दोस्तों वो बन गया 24,200 रुपीज़। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो मेरी यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल इनकम जो थी वो 6,92,000 थी, तो मेरी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख क्रॉस नहीं की है। तो इसीलिए जो भी मेरा टैक्स बना था 24,200 का, उसकी मुझे रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंदर 24,200 की, और जो मेरा टैक्स है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने सारे टैब अब कंफर्म कर लिए हैं, अब इसको प्रोसीड कर दीजिए। तो प्रोसीड करेंगे तो देखिए आपको ये जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उसकी पूरी डिटेल दिखा देगा और आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0 टैक्स, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आगे 6,92,000, डिडक्शन थी नहीं, टैक्सेबल इनकम आगे 6,92,000। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, अब आप इसको प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आप कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ये जो चेकबॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए,
प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दीजिए, आपको ITR1 यहाँ नज़र आ जाएगा। देखिए दोस्तों लास्ट में आ जाइए, यहाँ पे आपको देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दीजिए। तो वैलिडेशन करने के बाद देखिए आपसे ये आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड में ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार OTP से। तो ध्यान रखें दोस्तों, अब जो वेरिफिकेशन करने का टाइम है वो 30 डेज़ का है, चाहे आप ऑनलाइन मोड में करें या फिर आप फिजिकल कॉपी जो है बेंगलुरु के एड्रेस पे सेंड करें, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। बट ज़्यादा कन्वीनियंट ये होता है कि आप जो है ऑनलाइन मोड में ही कर लें, आधार OTP से कर लें या बैंकिंग मोड से कर लें। तो देखिए दोस्तों ये था वीडियो ITR1 को लेकर, न्यू टैक्स रिजीम में आप नील टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।